नमस्कार और गुड इविनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे ब्रेकिंग न्यूज नंबर वन, उग्रवादी संगठन उल्फा के साथ शांति समझौता, बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए नए युग की शुरुआत है, गृह मंत्री ने कहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा कल होगा। पीएम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने एयरपोर्ट और स्टेशन का किया निरीक्षण। बड़ी खबर, भगवान राम की मूर्ति पर अगले 3 दिन में फैसला होगा। बड़ी खबर, पहली नजर में ट्रस्ट के सदस्यों को 3 मूर्तियां पसंद आई हैं। मूर्ति चयन को लेकर लिखित राय मांगी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय परिषद में लल्लन सिंह ने नाम की घोषणा की। केसी त्यागी बोले एनडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय कुश्ती संघ का दफ्तर ब्रजभूषण शरण सिंह के घर से शिफ्ट हो चुका है, अब दिल्ली के हरिनगर में होगा कुश्ती संघ का दफ्तर। खेल मंत्रालय ने संघ को सस्पेंड करते समय आपत्ति की थी। एक और बड़ी खबर, हाफिज सईद को सौंपने के सवाल पर विदेश मंत्रालय का बयान। हाफिज सईद भारत में कई मामलों में वांटेड है, अरिंदम बागची ने कहा। हमने दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान से प्रत्यर्पण की मांग की है। एक और बड़ी खबर आ रही है, कतर की अदालत के फैसले पर विदेश मंत्रालय का बयान। सजा कम की गई लेकिन फैसला देखने के बाद टिप्पणी, अरिंदम बागची ने कहा। कल कोर्ट ने 8 पूर्व नौसेना के कर्मियों को की फांसी की सजा को कैद में बदला था। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सभी 12 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह, अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जनसंपर्क, परिवहन, आबकारी विभाग। और बड़ी खबर, नए साल से पहले छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर में 0.20% की बढ़ोतरी। 3 साल की सेविंग स्कीम पर 0.10% की ब्याज दर बढ़ी है। इन सभी खबरों के साथ अब देखते हैं कर्टन रेजर में हमारी कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर आज की है, यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। एक साथ 8 राज्यों में हमला किया है। क्या नए साल में परमाणु युद्ध कराएगा ये? अमेरिका से उठी ये मांग, हम आपको बताने वाले। दूसरी खबर, बड़ी खबर, सिनवार जिस टनल में था क्या वो तबाह हो गई है एक हवाई हमले में? मध्य पूर्व में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तीसरी खबर, समंदर में भारत की जल शक्ति से क्यों डरा ड्रैगन? चौथी खबर, इलॉन मस्क के रोबोट ने एक इंजीनियर पर हमला किया, रोबोट क्या भविष्य में मानवता के लिए खतरा बन जाएंगे? पांचवी खबर, लल्लन सिंह से नीतीश ने अध्यक्ष पद क्यों लिया? दोनों में ये दूरी और मजबूरी आपको जरूर देखनी चाहिए।